हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश। वेलकम टू द पूर्व बजट गेमर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ओबीएस स्टूडियो में नॉइस कैंसिलेशन को एनेबल कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स की मदद से। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है, आपके पास जस्ट एक हेडफोन है या फिर कोई ऐसा कंडेंसर माइक है, बजट माइक्रोफोन है, तो उसकी मदद से भी आप अच्छे खासे वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ सुनाई नहीं देने वाला। तो मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना कोई बैकग्राउंड नॉइज़ के अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। या फिर अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ सुनाई ना दे, तो मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो उसमें मैं आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन को एनेबल करके और डिसेबल करके। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको OBS की स्क्रीन पे। सो अभी हम आ गए अपने OBS की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ऑडियो इंटरफेस है वो सिलेक्ट कर लिया है, ऑडियो इनपुट। तो आपको भी ऐसे ही जाके यहाँ से जाके आपका ऑडियो इनपुट सिलेक्ट करना है, उसको जो भी एक नाम देना है। उसके बाद जाके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा डिवाइस है। तो मेरा USB से कनेक्टेड है तो मेरा माइक्रोफोन, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑडियो इंटरफेस आ गया है। तो अभी मैं दूसरे वाले को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही है बना कंडेंसर माइक लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है ये वाला सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद फिल्टर्स पे जाना है। फिल्टर्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखेगा और ये कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सब खाली होगा। उसके बाद आपको प्लस साइन पे जाना है, कंप्रेसर को सिलेक्ट करना है। और कंप्रेसर को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा भी है उसको बस ओके कर देना है। उसके बाद आपको जाना है गेन पे, प्लस साइन पे जाके गेन पे जाना है। गेन पे जाने के बाद आप सिलेक्ट करके ओके कर देना। उसके बाद आपको जाना है नॉइस सप्रेशन पे, यहाँ पे प्लस पे जाके फिर से नॉइस सप्रेशन पे जाना है और इसको हाई क्वालिटी पे रख के छोड़ देना है। उसके बाद आपको जाना है नॉइस गेट पे, और नॉइस गेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि, तो आप इसे सिलेक्ट कर देना। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स डाले हैं उनको आप दे देना। फिर आप जाएंगे गेन पे। गेन पे जाने के बाद इसे आप धीरे धीरे बढ़ा के देखना, आपके माइक्रोफोन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आप अपने से ही सिलेक्ट कर लेना। तो बस यही था पूरा सेटिंग्स। ये चारों एनेबल करने के बाद आपको जो नॉइस कैंसिलेशन है वो मिल जाएगा और आप अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ बिना नॉइस कैंसिलेशन के और नॉइस कैंसिलेशन के। तो अभी आपको जो ऑडियो सुनाई दे रहा है वो बिना नॉइस कैंसिलेशन के है, तो आप सुन सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन को एनेबल करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन को एनेबल कर दिया है, तो आपको फ़र्क समझ में आ ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे नॉइस कैंसिलेशन सेटिंग्स को ऑन कर दिया है, तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है नॉइस कैंसिलेशन को एनेबल करके और डिसेबल करके। तो बस यही था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।